अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल है तुहाडा? उम्मीद है तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक खैर खरीयत नाल होवोगे और अल्लाह ताला तुहानूं पंज दिन पाक दे सदके हमेशा खुश ते आबाद रखे। अज दी रेसिपी आपां लै के आए तुहाडे वास्ते बहुत ही मज़ेदार दूध, बादाम वाला दूध, गुड़ होवे या शक्कर होवे, बड़ी मज़ेदार लगती होंगी है दूध विच। ते एवें अपने थोड़े जे बादाम, थोड़े जे पिस्ते तुसीं वेख सकते हो, ते थोड़े जे काजू की जगह पर मैं मूंगफली ली है, एक खरोट है, काजू तो काफ़ी सारे पैसे मेरे बच्चों ने खा खा के ख़त्म कर दिते, तो मैं हूँ दूध बनाना सी तो थोड़े जे बचे सी, तो मैं चल इदा ही हूँ मैं इन्हों बना के दिनी हाँ। तो मैं नाले मैं अपने भैन भरावों भी दिखाई हाँ कि तुम अपने बच्चों ना बना के दूध दिया करो बच्चों, एक तो जोड़े बच्चे जेहन कमज़ोर हों उन्हों तेज़ हो जाए करेगा, तो घर आया सबनों भी बड़े होन छोटे होन तुसी रात नूं एक कप सब नूं बादाम वाला दूध बना के दिया करो, बहुत ही अच्छा हुंदा जेहन वास्ते, दिमाग बहुत बच्चों का तेज़ हुंदा है, खासकर जिहड़े बच्चे कमज़ोर ने दिमाग तो उन्हां नूं सबक याद नहीं रहिंदा, तो तुसी आ बादाम उन्हां नूं बादामां दा दूध पिलाया करो तो बहुत ही अच्छा उन्हां दा जेहन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फस्ट आर्न करेंगे। तो चलो रेसिपी नूं आपां स्टार्ट करने हैं। चलो जी, सब तो पहले आपां दूध भरने हैं, एक गिलास दो गिलास वैसे पानी, दो गिलास ताकि ना सारे वास्ते एक एक कप बन जाए। ये हूँ आप चुल्हे पर रख दें। चलो जी, ये आप बादाम वगैरह, पिस्ता, मूंगफली, अखरोट, ये आप ना इस तरह मिक्सी पा के ग्राइंड कर लाँगे बिल्कुल बरीक बरीक, ताकि बच्चे जड़े ना वो फिर ईजी दुध पी लेंगे। इस तरह मैं ग्राइंड करके लिया हूँ, चलो जी बस इन्ना ही करना है, देख सकते हो। चलो उधर अपना हम दुध उबल रहा तो अपना वो पाने। चलो जी दूध अपना उबल रहा है तो हम आप सारा मिक्सर पा दें दूध में, अच्छी तरह पकाना में जी शक्कर है वो आप एंड ते पावांगे क्योंकि शक्कर नाल फट भी सकता, अगर तुसी चीनी पाना चाहते हो तो चीनी भी पा सकते हो। वैसे मैनू ना मेरे घर वाले भी शक्कर की चाह, गुड़ की चाह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ी देर बाद ना इन 10 मिनट पका लवा ताकि अच्छी तरह पक जाए, तो फिर मैं गुड़ पावांगे तो तुहानू डिश आउट करके दिखावांगी, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यमी। मेरे बच्चे वैसे बहुत शौक न पीते ने, तो तुम अपने बच्चों जबरदस्ती बना के पिलाया करो। चलो जी हम आप शक्कर पाने, 10 मिनट हो गए ने, यह 4 चम्मच ने ज़्यादा नहीं है, अच्छी तरह भी पका लाँगे, वेख सकते हो माशाला बहुत ही मज़ेदार है। यह खासकर मेरिया भैनों रिक्वेस्ट है कि जो भाई और बहरों आन तो तुम उन्होंने रात को यह वाला दूध बना के दिया करो ताकि उन्होंने थकावट जी है ना वो दूर हो जाए, तो खासकर भैन मेरिया जड़िया हामला ने वह भी पी सकदियां ने क्योंकि ताकत उन्होंने भी चाहिए होंगी है, तो प्यारे प्यारे बेबी हो गए तोरे चिट्टे, तो जरूर तुम पिया करो, कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाती है, थकावट भी खत्म हो जाती, सारा दिन काम कार करके मेरिया भैन भी थक जाने ने, तो यह भी अगर रात को पी लैन ना तो बहुत ही बेस्ट है उन्होंने वास्ते भी। तो चलो हम आप डिश आउट करने हैं। चलो जी हम आप करने डिश आउट, भाइयों तो मुराद मेरी भैनों यह वे कि जो ताडे मीए आन उदो उन्होंने बना के दो, या बच्चिया के बाप आन उन्हां वास्ते अपने भाइयों वास्ते सब नू बना के ये दान कर, ताकि बच्चे बच्चे बड़े घर वाले खुश हो जाए। इस तरह आप सारे कपां च पा लाँगे। अगर तुहानू पसंद आए तो लाइक जरूर करो, सबसक्राइब भी करो, बैल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी तुहाडे तक बार वक्त पहुँचे। मिलने हैं दूसरी रेसिपी दे नाल, उदों तक रब रखा।